अतिथि देवो भव कहती भारत की ये धरा स्वागत करके आपका हमें उसके बाद अप्रूव करवा के तैयार रहेंगे। सरकार है जो व्यापारी के बारे में विचार ही नहीं करती है, पर गंभीरता से उसका एग्जीक्यूशन है। और मैंने इसलिए बीच में कहा मनोज भाई से कि मैंने क्या भूल गए, पहली बार जीएसटी के अंदर खाद्यान्न को जो है वो हम लोगों ने बिल्कुल फ्री किया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, उस बात की कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर हम 2.5 रुपया कम करेंगे। आप यकीन करेंगे क्या हुआ, 4,000 करोड़ रुपए का मेरे ऊपर अतिरिक्त भार तुरंत हो गया। कहीं ना कहीं जो है वो टैक्सेशन से ही आएगा। मैं डिपार्टमेंट से बार बार कह रहा हूँ, इनके प्रमुख सचिव को बुला कर कहता हूँ, कमिश्नर को भी बुला कर कहता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं जो है अगर टैक्स नहीं होगा तो प्रदेश की हम जो है वो व्यवस्था नहीं बना पाएंगे। मैंने आपसे कहा पीडब्ल्यू इरीगेशन, एजुकेशन, समाज कल्याण, ये SC ST वाला, ये अनेक अनेक डिपार्टमेंट सारे ऐसे हैं, दो और मिला लो एक एक्साइज, इससे ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 करोड़ रुपया मुझे एक साल में मिल जाता है। मंडी उससे भी जो है 1,000-1,200 करोड़ रुपया मेरे को मिलता है। इतने से क्या प्रदेश का भला हो जाएगा, जहाँ 5,00,000 करोड़ रुपये का बजट दे रहे हैं वो इतने पैसे से काम नहीं चलेगा।